अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के आल पे क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हेलो गाइज, कैसे हो सभी के सभी। मैं गिरिराज मुंगेना आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कांतरा टेक में। तो आज का अपना वीडियो होने वाला है जन आधार कार्ड के ऊपर के जन आधार कार्ड किन किन का बन चुका है, किन किन का इश्यू हो चुका है और कहां से देख सकते हो कि आपका भी जन आधार कार्ड रेडी हो चुका है। तो आज पूरी जानकारी इसी के ऊपर होने वाली है जन आधार कार्ड के ऊपर। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर जाएं कहीं पर भी आप अपने गूगल ओपन कर लेना है और वहां पर आपको एक सूचना पोर्टल है जन सूचना के नाम से, उस पोर्टल को ओपन कर लेना है। जैसे जन सूचना डालोगे तो ये फर्स्ट में ही jansoochna.rajasthan.gov.in की साइट आ जाएगी। तो इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे टॉपिक आएंगे, तो इसमें मैंने कई टॉपिकों पे वीडियो बना दिए हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं 21वें नंबर के टॉपिक की जन आधार के, तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन ओपन होंगे। एक तो आपने क्षेत्र के जितने भी लाभार्थी है जन आधार कार्ड जिनका तैयार हो चुका है उनकी लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन पे पहले क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ ज़रूरी सूचनाएं मांगेगा, उस सूचनाओं को आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे ज़िले का नाम हुआ है तो ज़िला आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट या ज़िला पड़ता है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा सवाई माधोपुर पड़ता है। उसके बाद आपका क्षेत्र शहरी है तो शहरी या फिर ग्रामीण है तो ग्रामीण यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद पंचायत समिति के बारे में पूछेगा तो आपकी जो भी पंचायत समिति लगती है वहाँ पर आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके बाद आता है गांव की बारी, तो आपका यहाँ जो भी गांव है उस गांव पे क्लिक करके खोजे पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी और चौथ का बरवाड़ा के नाम से, और इसमें टोटल वे लाभार्थी की संख्या है 14,011। तो इन पूरे 14,011 की लिस्ट देखना चाहते हो तो आपको अधिक जानकारी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अधिक जानकारी पे क्लिक करोगे ये लोडिंग चलता रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि 14,000 लोगों की लिस्ट है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। और उसके बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी और उसमें आप अपना लिस्ट में देख सकते हो कि किन किन का आधार जन आधार कार्ड है वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है, यानी कि बन चुका है। तो आप अपने आस पास के ग्राम पंचायत में हुआ या ई मित्र हुआ, जिसको कभी कभार ई मित्र को काम दे दिया जाता है ये, तो वहाँ से जाके अपने जन आधार कार्ड को ले सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें किसका नाम आया है, का क्या है, किस प्रकार का होगा, तो ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये ओपन हो चुका है, इसमें आप देख सकते हो टोटल जितने भी व्यक्ति हैं उनके सभी की लिस्ट है। तो 14,011 लोगों की लिस्ट है ये टोटल। तो मैं इस पर फर्स्ट वाले पे आता हूँ लगभग, और वहाँ से अपन एक बात करते हैं इनके बारे में। जैसे लाभार्थी का लाभ हुआ अनोखी बानो और मोहम्मद छोटू, तो ये व्यक्ति रहते हैं रेगरो का मोहल्ला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हो कि किन किन का जन आधार कार्ड बनाए। अब आते हैं अपन बैग और दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, प्रशासनिक प्रतिवेदन। ये क्या होता है कि जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग किन किन को कितना रुपये मिला है जन आधार कार्ड के ऊपर, तो वो जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, आपको पहले कुछ डाटा है उसको फिल करना है, अपने ज़िले का नाम डालना है, यहाँ से शहरी है ग्रामीण है उसको सेलेक्ट करना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद पंचायत समिति की बारी आती है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है पंचायत ग्राम पंचायत, तो इस पर सेलेक्ट करके आपको खोजे पे क्लिक करना होगा। जैसे खोजे पे क्लिक करोगे यहाँ पर पूरी फाइल आ जाएगी, तो फाइल डाउनलोड पे लगाने के लिए आपको यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे इस प्रकार की एक फाइल ओपन होकर आएगी। मैंने ये पहले डाउनलोड कर ली है क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसमें अवधि है, अवधि दे रखी है इतने से इतने तक, ग्राम पंचायत और ज़िला ये है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें योजनाएँ, इतने राशन मिलता है, चीनी दाल अतिरिक्त, गेहूँ केरोसिन, गेहूँ के आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान बीमा योजना, राष्ट्रीय योजना। तो ये कुल लाभान्वित परिवार है, इनके संख्या दे रखी है, उनके सदस्य दे रखे हैं और कुल लाभ का विवरण यहाँ पर दे रखा है। इसकी डिटेल में आप देखना चाहते हो तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो इसका डिटेल पूरे का दे रखा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे सके। मैं बात करता हूँ पहले परिवार की, जैसे पहला परिवार हुआ
तो इसके जिला हुआ ग्राम पंचायत सब कुछ यहाँ पर दे रखा है और परिवार क्रमांक संख्या एक की बात करते हैं। ये है ममता मीणा, इनके पिताजी का नाम मुन्ना मीणा है और इनके पति हरिकेश मीणा है। जन आधार संख्या के लास्ट के 4 डिजिट दे रखे हैं। माता का नाम यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर दिसंबर में इनको क्या मिला है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लगभग यहाँ पर 6-7 महीनों की डिटेल दे रखी है। तो COVID-19 अनुग्रह के 2,500 रुपये की राशि मिली है उनको अप्रैल में और नगद यानी कि टोटल 2,500 रुपये की राशि मिली है। जैसे दूसरे परिवार की बात करता हूँ मैं, तो इसमें भी आप डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर कुल गेहूँ मिला है 2 की इकाई से, यानी कि पेंशन मिली है 750 दिसंबर में, जनवरी में इतनी, और 40-40 जनवरी फरवरी में 40-40 KG का गेहूँ मिला है इनको। तो ये पूरी डिटेल है, यहाँ से कई चीज़ों की डिटेल और भी दे रखी है, तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये पूरी जानकारी हुई तो जनाधार के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि और लोगों को भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में सूचना मिल सके और भी व्यक्ति इस जानकारी को देख के अच्छा लगे, ताकि उनका भी स्किल डेवलप हो सके और कुछ फ़ायदा उठा सके कहीं से भी अपने ग्राम पंचायत से। तो चलते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।